ये महाराणा प्रताप की जयंती पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में उस शौर्य की गाथा के लिए हमेशा मनाई जाती है। आज 484वीं यानी 484 वो जयंती है और जयंती के अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में सामाजिक दृष्टि से महाराणा प्रताप हर समाज के लोगों को उतना ही सम्मान करते थे जितना अपने पुत्र को सम्मान करते होंगे, जितना लोगों को सम्मान करते होंगे। ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों में प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनके आदर्शों पर चलने के लिए हम लोग मजबूर रहें, क्योंकि एक बात हम लोग हमेशा कहते हैं कि घास की रोटी उन्होंने खाना कबूल किया लेकिन समझौता नहीं किया। आज उसी तरह से मैं राजनीतिक शब्द एक भी नहीं बोलूँगा, जिस परम्परा में हम लोग चल रहे हैं हम उसी परम्परा का निर्वाह कर रहे हैं। महाराणा प्रताप का जो इतिहास है देश के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। महाराणा प्रताप ने जिस तरह से देश के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को अपने पराक्रम के बल पर देश को गौरव दिलाने का काम किया है, एक तरह से कहा जाए कि भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप का स्वाधीनता आंदोलन हो या भारत को सम्मान दिलाने की बात हो, महाराणा प्रताप जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज के इस अवसर पर राजपूत सेवा समिति को भी बधाई देना चाहता हूँ। उन लोगों ने और विशेषकर भाई कृपा शंकर जी को, इन्होंने इस पहल कर करके यहाँ जो हमारे देश के गौरव थे, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनकी प्रतिमा का लगाकर उनका अनावरण कराकर जौनपुर में ये बहुत बड़ा एक तरह से कहा जाए कि ऐसे महापुरुष जो हमारे देश के लिए न्यौछावर हो गए, देश के लिए सब कुछ किए, उनको याद करने के लिए उनको स्मरण करने के लिए जो प्रतिमा लगाई है, इसके लिए सेवा समिति को बहुत मेरी ढेर सारी बधाई है, शुभकामना है, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम राजपूत सेवा समिति को बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि उन्होंने इतनी दिव्य प्रतिमा को लगा करके जौनपुर में ऐतिहासिक काम किया है। अभी तक बहुत सारे लोग आए लेकिन किसी के मन में विचार नहीं आया कि ऐसे महापुरुष की प्रतिमा को यहाँ पर लगाई जाए। आज शौर्य दिवस है, आज पूरा देश ने पूरा विश्व मना रहा है। हम तो यही हमने बचपन में यही सुना है कि खाके रोटी घास की अकड़ता प्रताप है, ऐसे मेरे देश का पुराना इतिहास है। स्वाभिमान के साथ रहना, स्वाभिमान के साथ जीना, वंचितों को कैसे मदद करना, गरीबों को कैसे मदद करना, सबको एक साथ लेकर के चलने की जो परंपरा आदरणीय महाराणा प्रताप जी ने डाली थी, जो उनका विचार था, जो उनकी सोच थी, उनकी सोच को हम नमन करते हैं और ऐसे दिव्य अपने महाराणा प्रताप जी को हम सादर नमन करते हैं और ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हम सबों को आशीर्वाद दें कि हम सब उनकी कदमों पर चलें और कभी भी सम्मान और स्वाभिमान के साथ किसी से समझौता न करें। हम लोग आए महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाने, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप की शौर्य जो गाथा जो है, इनका जो बलिदान है, बगैर इसके भारत के इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता है। जब तक भारत का नाम रहेगा, महाराणा प्रताप का नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में हमेशा लिखा जाएगा, याद किया जाएगा। शौर्य का दिन है और पहली बात इनके हमारे महाराणा प्रताप जी के जन्मोत्सव के आज के दिन हम ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई पूरे जौनपुर के जनता को, पूरे भारत की जनता को देना चाहता हूँ। और जैसे भाई साहब ने कहा कि ये नहीं है तो इतिहास ही नहीं है, और इन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया। आपने देखा होगा कि ये घास की रोटी खाए लेकिन समझौता नहीं किए, और इन्होंने हमेशा वंचित शोषित लोगों के साथ उनकी टीम को, उनको अपने टीम में मिला के उन्होंने लड़ाई लड़ी है और हमारे देश की रक्षा किया है और अपने किसी के साथ समझौता नहीं किया है। आज के दिन यही कहूँगा, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई।